हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे आर्ट विद हर्षा पे। हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर परीक्षा में आते ही आते हैं, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम सही। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम पहला प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी वो 1556 में हुई थी और ये गोवा में हुई थी। तो ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक्शन पेंटर कौन थे? तो इसका आंसर होगा जैक्सन पोलोक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का डी सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इससे पहले आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, एंड ये अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सके और इसकी नोटिफिकेशन हर एक बंदे के पास आए, इसलिए बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, वरना आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सीसी मापन की इकाई क्या है? तो जो इनमें से सीसी मापन की इकाई है वह है समाचार विज्ञापन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इम्फ्रा पॉटरी क्या है? तो जो इम्फ्रा पॉटरी है वह है ग्रीस, तो वह ग्रीस से आई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्क चैम्बर सिद्धांत किसने दिया? तो डार्क चैम्बर सिद्धांत अरस्तु ने दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो आपका अगला क्वेश्चन पेपर का जो A4 पेपर का वास्तविक साइज क्या होता है? 210 mm × 297 mm। ओके, गोलकुंडा में कौन सी शैली फली? तो गोलकुंडा में दक्कनी शैली फली, जिसको हम दक्षिणी शैली के नाम से भी जानते हैं, और इसमें 5 राज्य आते हैं। तो उन 5 राज्यों में से 3 राज्य प्रमुख होते हैं, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। ठीक है, तो हमें ये याद रखने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट, वह चित्रकार जिसने बनारस के घाटों को करा, इसमें आएंगे रामकुमार। तो यहाँ पर रामकुमार ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, गांधी जी की डांडी यात्रा किसकी कृति है? तो यह है नंदलाल बोस की कृति।